चलेगी। ईमानदार अधिकारियों के काम में दखल अंदाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईमानदार अधिकारियों के काम में दखल अंदाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईमानदार अधिकारियों के काम में दखल अंदाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समीर बनखेड़े समीर बनखेड़े समीर बनखेड़े समीर बनखेड़े समीर बनखेड़े हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग इको गार्डन में आए हैं। इको गार्डन में कुछ मांगों को लेकर के रंगबाज सेना जमीनी स्तर पे नीचे उतरी। सामाजिक संगठन रंगबाज सेना जमीनी स्तर से उतरी, किन मांगों को लेकर के वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर जी। तो किन मांगों को लेकर आज इको गार्डन में आए हैं? मांग हमारी कोई नहीं है, हमारी सोच ये है, हम लोग आत्मबल पे काम करते हैं, रंगबाज सेना आत्मबल पे काम करती है। आज की डेट में एक सबसे बड़ा प्रकरण चल रहा है समीर वानखेड़े का। एक आईपीएस अधिकारी पिछले काफ़ी समय से वो ड्रग के खिलाफ अपना अभियान चला रखा है और काफ़ी बड़े बड़े लोगों को उसने पकड़ा या जो भी काम कर रहा है उसके खिलाफ ये ब्यूरोक्रेसी, ये नेता, ये जो मंत्री और लोग पीछे पड़ करके इस चीज़ को पीछे ढकेलना चाहते हैं, ये हमारा इनके खिलाफ आंदोलन है। इसके खिलाफ ये मैं कहना चाहता हूँ बात कि ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी अधिकारी को काम ना करने देना। अब एक आईएएस, एक आईपीएस अधिकारी की जब लोक सेवा आयोग से भर्ती होती है तो उसके सारे रिकॉर्ड की, सारी सर्टिफिकेट की, सारी चीज़ों की जांच होती है। ये लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद उसको नौकरी मिलती है। आज की डेट में मंत्री और लोग ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने गलती से गलत सर्टिफिकेट लगा के नौकरी पा ली, उसने बाप का नाम गलत लिख दिया, उसने ये गलत कर दिया, उसने वो गलत कर लिया। यानी कि गलत करने वालों को रोकने के लिए अधिकारी जो सही काम कर रहा है उसको गलत ठहरा है। जो राजनीतिक लोग हैं, जिनके लोग आपस जो फंस जाते हैं, आप जेल चले जाइए, जेल में बच्चा बैरक है, बच्चा बैरक में ना जाने कितने बच्चे भर्ती वहाँ पर सड़ रहे हैं। लेकिन जब कोई बड़ा आदमी या बड़े लोगों का बच्चा फंस जाता है तो उसके पीछे इतनी राजनीति की दिशा ही भटकाने का प्रयास करते हैं, ये गलत है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग देश में कंगना रनावत आई थी, कंगना रनावत ने विरोध किया, उनका घर तोड़ दिया, उसके बाद ये विरोध कर रहे हैं तो उनके खिलाफ इतने 26-26, कल मैं देख रहा था 26-26 जांच के लिए उसमें लेटर भेजे जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। समीर वानखेड़े को न्याय दिलाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? समीर वानखेड़े को न्याय दिलाने के लिए हमारी रंगबाज सेना जो पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे लखनऊ से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, ये उनके सपोर्ट में है। उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए हम लोग मॉरली उनको सपोर्ट देना चाहते हैं और उनसे ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी कमज़ोर ना पड़ें, हमारी सेना आपके साथ में है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो समीर वानखेड़े जी को, जो एक अधिकारी हैं, उनको हम अपने रंगबाज सेना से रंगबाज नाम से नवाजना चाहते हैं, क्योंकि वो आत्मबल के मजबूत इंसान हैं, ईमानदार एक अधिकारी हैं। तो समीर वानखेड़े जी एक रंगबाज हैं, हम अपने संगठन के द्वारा बताना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े जी एक रंगबाज हैं और उनको ईमानदारी से काम करने पे कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, जैसे ये कोई कहता है कि उन्होंने घूस ले ली है, कोई कहता है ये ले लिया, क्योंकि इसमें पूरी राजनीतिक पार्टियाँ जुड़ जाती हैं, राजनीति करने लगती हैं, इस तरीके के प्रोपोगंडा होने लगते हैं कि अधिकारी को दबा दिया जाए ताकि जो बड़े लोगों के बच्चे फंसे हुए हैं वो निकल जाएँ। उन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो अधिकारी अपना काम कर रहा है उसे अपना काम करने देना चाहिए, जो चीज़ें निकल के आएंगी वो सामने निकल के आएंगी। एक तरफ लोग कहते हैं कि आप अपना काम करिए, सच के साथ करिए, तो दूसरे जब अधिकारी सही के साथ काम करता है तो उसको रोका क्यों जाता है? इसी बात का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर अधिकारी सच के साथ में काम कर रहा है, अगर ड्रग्स एक हमारे यहाँ माना जाता है कि ये नहीं होना चाहिए, ड्रग्स के खिलाफ वो एक कार्रवाई चला रहे हैं तो उसको पूर्णता चलने देनी चाहिए। ड्रग्स हमारे देश से खत्म होना चाहिए, जिससे कई बच्चों का, कई युवाओं का, मुंबई में जो नए नए युवा पहुंचे हैं उनके करियर खराब हो गए, वो बर्बाद हो गए, काफ़ी लोग मारे गए। सुशांत सिंह बताया गया कि ड्रग्स की वजह से ही मारा गया। तो इस तरीके से बहुत से प्रकरण हो रहे हैं, अगर वो चीज़ें बंद हो रही हैं तो अधिकारी को करने देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, जैसे 18 करोड़ रुपये का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 18 करोड़ रुपये इसने घूस मांगी और वगैरह वगैरह, लेकिन शाहरुख खान के फैमिली की तरफ से ही एक एफिडेविट लगा दिया गया कि यह गलत है।
तो ये एफिडेविट या जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हमारी एक मांग ये है कि जो लोग इस तरह का इल्जाम लगाते हैं, अगर गलत साबित हो जाए तो उनको जेल जाना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वरना किसी आदमी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकता है, क्या मंत्री हो या कोई हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहना है कि जो भी देश के अंदर ईमानदार प्रकृति के लोग काम कर रहे हैं, उसमें राक्षसी प्रकृति के लोग विघ्न डालने आ जाते हैं, उनका नरसंहार होना चाहिए, उनको खत्म होना चाहिए। ये हमारी समाज से निष्कासित हो, उनके खिलाफ एक्शन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आज हम लोग आए थे इको गार्डन में, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से सामाजिक संगठन रंगबाज सेना कुछ मांगों को लेकर के और समीर वनखेड़े के अधिकारों को लेकर जिस तरीके से सरकार बोलती है कि काम करिए, तो फिर काम करने से क्यों रोका जाता है, कुछ नेता लोग इस काम में क्यों अपनी टांग अड़ाते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी, धन्यवाद।